إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم خوشبو ہے تیری دو عالم میں اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے ہادی برحق تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکو میں ہے میرا قلب تبیدہ اے رحمت عالم
तेरी हर बात है सच्ची। ऐ रहमत आलम तेरी हर बात है सच्ची, मेरे दीदा से भी बरकत तेरे लब से शरीफ। तू रूहे चमन रूहे समन रूहे जमाना, तू रूहे चमन रूहे समन रूहे जमाना, तू जाने जहां जाने गजल जाने कसीदा। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। वलो अन्न मा फिल अर्ज मिन शजरतिल अक्लाम والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله। अगर कलमों को दरख्त बना दिया जाए, समुंदरों के पानी को स्याही बना दिया जाए, अल्लाह के कलिमात को लिखना शुरू कर दिया जाए, मा नफिदत कलिमातुल्लाह अल्लाह के कलिमात की तादाद इतनी ज्यादा है कि मालिक अर्ज़ो समा के कलिमात मुकम्मल नहीं होते उस मालिक के लिए। हम दो सना यहाँ बस नहीं, सब अतु सात समुंदर और आ जाए, फिर इन दरख्तों को कलमे बना के रब्बे किबरिया के अजमत शान हमद कलिमात को लिखना शुरू कर दिया जाए। मा नफिदत कलिमातुल्लाह उस मालिक की तारीफें इतनी है, उस मालिक की हमदें इतनी है कि अल्लाह के कलिमात मुकम्मल नहीं होंगे। इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, हर किस्म की हमद सना मालिक के अर्ज़ो समा के लिए। उस मालिक की हमद सना कि जिस मालिक ने हमें बिन मांगे हाथ दिए, बिन मांगे हमें जुबान दी, बिन मांगे हमें कान दिए, बिन मांगे हमें हमें पांव दिए टांगे दी, और हजरत जीवाकार सब कुछ देकर बिन मांगे बड़ी बड़ी इमारतों का मालिक बना दिया। लेकिन रब ने क्या कहा, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, उस मालिक की हमद सना, कहा मैंने तुझ पे इतना बड़ा एहसान किया, हाँ हाँ अल्लाह तूने एहसान किया, बिन मांगे हाथ भी दिए, बिन मांगे अल्लाह तुझे हमने हमें आंखें भी दी तूने, अल्लाह बिन मांगे हमें जुबान भी दी, अल्लाह बिन मांगे तूने हमें पैर भी दिए, अल्लाह तूने हम पे कितना एहसान किया, हमें गाड़ियां दे दी, हमें सवारियां दे दी, हमारे सफरों को ऐसे आसान किया कि हमें इतनी सेंस थी कि हमने हवाई जहाजों को बनाया। अल्लाह कहता है मैंने तुझ पे एहसान नहीं किया, अल्लाह एहसान नहीं किया, फिर एहसान क्या है। अल्लाह कहता है लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयाती। मालिक अर्ज़ो समा ने कहा कि मैंने ये सब कुछ अता करके अल्लाह क्या एहसान किया, कहा मैंने तुझे उम्मत मुहम्मदिया में से बना के तुझ पे एहसान कर दिया, तुझे कोई मूसा अलैहिस्सलाम से भी आए, कोई उनके उनकी, कोई ईसा अलैहिस्सलाम के, कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, लेकिन अल्लाह ने कहा मैंने तुझे उम्मत मुहम्मदिया में पैदा करके मैंने तुझ पे एक बड़ा एहसान कर दिया। और उसके बाद ला तादाद दुरूद और सलाम उस पैगंबर अमन के लिए, उस हादिये बरहक के लिए, उस रहमत आलम के लिए। रूहे चमन रूहे समन रूहे जमाना, तू जाने जहां जाने गजल जाने कसीदा, दिल अस महर मोहम्मद रेश तारम रकाबत बा खुदाए खेश तारम। हम तो सना के बाद दरूद और सलाम उस हस्ती के लिए पैगंबर अमन हादिये बरहत मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात अक्दस मुतहर। और हजरत जीवाकार आज मैं आपको मोहब्बत रसूल के बारे में बयान करूं। मोहब्बत रसूल क्या है, चार किस्म की मोहब्बत है, बड़ी इसकी किस्में जितनी मर्जियां कर लो, लेकिन जो मेन चीज है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो मोहब्बत होती है फितरत के साथ, अल्लाह ताला ने फितरत के अंदर मोहब्बत है, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, उन्हीं रिश्ता है, माँ अपने बेटे से मोहब्बत करता है, माँ और बेटा अपनी माँ से बाप से मोहब्बत करता है, भाई अपनी बहन से, बहन अपने भाई से, बेटी अपनी माँ से, बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है, बाप को अपनी बेटी बड़ी प्यारी है। ये तो हो गया रिश्ता फितरत का। और जो अहले इस्लाम है अहले ईमान है वो अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं।
فطرتی محبت. اور اللہ نے قرآن میں کہا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو اللہ اللہ کے رسول کی محبت کرنی ہے, اللہ کے رسول کی محبت میں آگے بڑھنا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کیا کرنا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی اللہ کی محبت کرنی ہے. کیا قرآن میں مجید میں اللہ نے فرمایا کس کی محبت کرنی ہے, والذین آمن و اشد حب للہ, اللہ کی محبت کرنی ہے. اور اللہ کی محبت کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرے, اللہ کے رسول سے محبت کریں گے, آپ کے طریقے پہ عمل کریں گے, آپ کی باتوں کو باتوں پر سر تسلیم خم کریں گے, تو پھر کیا ہوگا اللہ کی محبت ہوگی. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور تین قسم کی محبت, یہ تو فطرتی محبت ہوگی, تین قسم کی فطرتی محبت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا وہ ازواج و امہاتہم, نبی کی جو بیویاں نا تمہاری مائیں ہیں. اور اس لحاظ سے اللہ کے نبی ہمارے کیا ہیں, اللہ کے نبی نبی امت کا باپ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ سکھلا دیا, ہمیں طہارت کے طریقے تک سکھا دیا. باپ کی میں نے رتبہ اس سے بھی بڑا, باپ سے کہیں بڑھ کر رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو فطرتاً محبت ہے. لیکن اس کے بعد جو تین چیزیں محبت کی, ایک محبت کمال حسن, حسن حسن سے محبت ہوتی ہے. کسی کا حسن کوئی خوبصورت ہوتا ہے, کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے, ہم اس وجہ سے اسے محبت کرتے ہیں. کمال سیرت, دوسری محبت انسان کی سیرت دیکھ کے یار اس کی سیرت اس کا کردار کتنا اچھا, اس وجہ سے محبت ہوتی ہے. تیسری محبت احسان, کوئی تجھ پہ احسان کر دیتا نا انسان, تجھ پہ جب احسان کرتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے کہ یار اس شخص نے مجھ پہ کیا کیا, احسان کر دیا, احسان کیا, اس کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے. اور اللہ کے نبی سے محبت ہائے ہائے, حسن پہلی محبت, حسن کی محبت, کمال حسن. اور حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں صحابہ, ایک صحابی اٹھا کہا کان مثل الشمس والقمر, اللہ نے اپنے نبی کو سورج اور چاند کی طرح حسن عطا کیا. اور حسن کی معاد کرے لو رأیتہ رأیت الشمس تالیا, جب آپ جلوہ افروز ہوتے صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا سورج نکل آئے, ہماری محفلیں ہماری مجلسیں روشن ہو جاتی. جب حسن کی بات کریں ایک اور صحابی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, کہتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہی, آپ کا چہرہ مبارک ایک چمکتا ہوا آفتاب تھا, آپ کا چہرہ مبارک ایک چمکتا ہوا آفتاب تھا. اور ایک نے محبت اپنی اس طرح بیان کی, کہا ہنستے تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکدار دانتوں کا عکس ایسے محسوس ہم کرتے تھے, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے چمکتے ہوئے دانتوں کا جو عکس چیزوں پر پڑتا تھا دیواریں منور ہو جاتی تھی. یہ محبت کے اظہار ہے. چاپر چودھویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے, کہا اللہ نے اس چاند کو کتنا خوبصورت بنایا, چاند اتنا خوبصورت. ابھی یہ چودھویں رات کے چاند کو جابر دیکھ رہے ہیں, ساتھ ہی نظر پڑی آمنہ کے چاند کی طرف. جابر کبھی کبھی چودھویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہیں, کبھی آمنہ کے چاند, کبھی چودھویں رات کے چاند کو جابر دیکھتا ہے, کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہے. چاپڑ نے کیا کہا, کہا یہ جو چودھویں رات کا چاند ہے اس چاند کے چہرے پہ داغ ہے, لیکن پیارے محمد کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جس میں رب کو داغ بھی گوار. اور پھر میں کیوں نہ کہوں دل از لہر محمد ریش دارم رقابت با خدائے خیش دارم. پیارے حبیب ہمارا دل آپ کی محبت سے زخمی ہے, ہمارا
हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, और हमारी आपसे मोहब्बत अल्लाह के रसूल होने के बाद आपके हुसन, आपकी सूरत, आपकी सीरत, आपके किरदार, आपके एहसानात की वजह से। अभी हुसन की बातें मुकम्मल नहीं हुई। अम्मी आयशा ने अम्मी आयशा ने क्या कहा? किसी पूछने वाले ने पूछा, और हम भी जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुसन की बात करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह ने इतना हुसन दिया कि औरतें उस वक्त की रॉयल फैमिली की औरतें, आम औरतें नहीं, रॉयल फैमिली की बादशाह के घर वाली औरतें क्या कर रही हैं? सेब काटती काटती यूसुफ के हुसन को देख के इस तरह पिघल गई, इस तरह खो गई कि अपनी उंगलियों को काट ली। और जाहिर बात है हमारा अकीदा कि हमारे पैगंबर सबसे खूबसूरत है। तो इसी तरह एक शख्स ने अम्मी आयशा से कहा, कहा अम्मा जी यूसुफ को देखकर औरतों ने सेब काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट ली। अगर वो आखिरुन जमान नबी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती, फरमाया वो अगर आखिरी नबी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती, वो उंगलियां काटने की बजाय अपने जिगर काट के हाथ में रख लेती, उनके खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरता, पहले वो जन्नतुल फिरदौस की मालिक बन जाती। और हमारे अलामा शहीद क्या कहा करते थे? कहते थे काश हम वो पत्थर होते जो नबी के कदमों को छूना करते थे, काश हम वो कपड़े की टाकिया होते, काश हम वो कपड़े की टाकिया होते जिसे खदीजतुल कबरा पैगंबर के जख्मों पे रखा करती थी, काश हम भी उस वक्त जिंदा होते, हम भी अपने प्यारे हबीब का चेहरा देखते, हम भी उनको देखकर अपने आप पर जहन्नम की आग को हराम करार देते, हम भी उस वक्त अपने पैगंबर को देख के जन्नत के मालिक बन जाते, काश हम उस वक्त जिंदा हो। और हजरत जीवाकार अपनी मोहब्बतों के अंदाज सबके थे। और ये तो बात कर रहे हैं कमाल हुसन की वजह से। हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? खुलिकत मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब, सब अपनी अपनी मोहब्बतों के अंदाज बयान कर रहे हैं। हसन बिन साबत ने अपनी मोहब्बत का अंदाज बयान कर दिया, क्या कहा? मिन कुल्ली प्यारे हबीब, आपको तो अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाया, का मिन कुल्ली का कद कमा तशा, प्यारे हबीब आपको तो अल्लाह ने ऐसे बनाया जिस तरह आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया, इतना खूबसूरत बनाया। और मोहब्बत रसूल कमाले हुसन की वजह से, कमाले सीरत की वजह से। अगर सीरत की बात करें वो भी सबसे आला। अल्लाह के नबी क्या कहते थे कि मैंने, अल्लाह के नबी ने कहा हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से मैंने इस्माइल को चुना, इस्माइल को मुंतखिब किया, इस्माइल की औलाद में से मैंने अदनान को मुंतखिब किया, अदनान की औलाद में से मैंने अमर को मुंतखिब किया, अमर की औलाद में से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखिब किया। और सीरत की बात करें, आपका घराना, आपका कबीला अमर, अमर जानते हैं जिसे हाशिम कहा जाता है, हाशिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा। उस वक्त अरब के लोग गुर्बत थी, परेशान हाल लोग थे, इज्जत बहुत कम थी, लेकिन जब अमर आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा आए उनका नाम हाशिम क्यों पड़ा? हे शीन मीम हशम, इसे शरीर से लिया गया। क्या किया? रोटियां शोरबे के अंदर डबो डबो कर अरब के लोगों को खिलाई, डबो डबो कर शरीर खिलाई। उन लोगों ने कहा ये अमर नहीं है, आज के बाद ये हाशिम है। शरीर खिलाने वाला रोटियों को डबो डबो के सालनों के अंदर
شوربے کے اندر کھلانے والا, اور یہ عرب کا بڑا خاص کھانا ہے. اور حضرات ذوالقار, سیرت کی بات کریں, اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے اعلیٰ بنایا, سیرت میں سورت میں سب سے اعلیٰ بنایا. جب آپ علیہ السلام پہ نبوت نبوت آئی, جب جبریل آئے, بڑے پریشان ہیں, ورقہ بن نوفل کے پاس بھی گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا, پریشان تھے, ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ اس پہ تو بہت بڑا بوجھ پڑنے والا ہے, کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب اس کے لوگ اس کو اس کی بستی سے نکالیں. تو آپ علیہ السلام پریشان ہوئے, سب سے پہلے گواہی دینے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. کیا کہا تھا؟ یہ سیرت کی بات کر رہا ہوں, کمال سیرت کی وجہ سے محبت بات کروں. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّعِيفَ وَتَعِينُ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آپ تو قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں سے بہتر برتاؤ کرتے ہیں, اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ, آپ تو قریبی رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں, لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لوگوں کی اس وقت بھی باتیں سننے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, اور کیا فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, آپ تو نادر لوگوں کو سرمایہ دینے والے ہیں, آپ تو مہمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں, اور آپ کیا کرنے والے ہیں؟ مصیبت صدقان کی مدد کرنے والے ہیں. آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ کی سیرت کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ, جس کی سیرت کی گواہی عرب کے لوگ دے رہے ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی دے رہے ہیں. اور حضرات ذوالقار, کمال حسن کمال سیرت, کمال صورت کمال سیرت, اور کمال احسان کی بات کروں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ احسان ایسے کیے, ہم پہ امت محمدیہ آج تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھول گئی ہے, آج تو ہمیں دنیا سے محبت ہے, دنیا کے لوگوں سے محبت, آج ہم اس دنیا سے پیار کر رہے ہیں لیکن ہم بھول چکے ہیں کمال احسان کیا ہے. اللہ کا باخیون نفس کا اللہ یکون مؤمنین, آپ تو اس غم میں اپنی جان کو اللہ نے کیا کہا, اتنا غم کر رہے ہیں امت کے لیے, کبھی ربی نفسی کی بجائے جب کل قیامت والے دن لوگ کہیں گے ربی نفسی, اور اللہ کے نبی کیا کہیں گے, ہمارے پیارے پیغمبر کیا کہیں گے, ربی امتی اللہ میری امت, اور کیا کہہ رہے ہیں, ربی امتی اللہ نے خود کہہ دیا. قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مؤمنین, اللہ کے نبی آپ تو اس غم میں کہیں اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں جب لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے. اللہ کے نبی پریشان ہے, میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا مشن لے کے آئے تھے؟ اور لوگوں کو جہنم سے بچانے آئے تھے, جنت کا مالک بنانے آئے, اور یہی دعوت دیتے ہو لوگوں باز آ, لوگ نہیں باز آ. اللہ کے نبی اتنے پریشان ہے کہ اللہ نے کہا کہ لا اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مؤمنین, اللہ کے نبی آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ آپ تو غم کے اندر, امت کے غم کے اندر, امت ہم لوگ ہیں, امت کون ہے؟ امت ہم ہیں. فرمایا امت کے غم کے اندر آپ تو گلے جا رہے ہیں, آپ تو گلے جا رہے ہیں امت کے غم کے اندر. اور حضرات ذوالقار, انا آخذ بحجازکم وانتم تکہمون فی النار, اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے او لوگو میری کیا کوشش ہے, میری کیا کوشش ہے؟ عرب کے لوگوں نے کہا تھا نا کہ آپ کو تین چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے, کہیں آپ نے اس وجہ سے نبی ہونے کا دعوت نہیں کیا کہ آپ کو کوئی بڑی سرداری چاہیے, یا آپ کو دولت چاہیے, یا آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تین ہی بنیاد ہیں نا جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے میں ترقی حاصل کروں. آپ یہ تو نہیں چاہتے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کہا؟ کہا میں کیا چاہتا ہوں؟ کہا میری تو کوشش ہے کہ میں تمہیں کھینچ کھینچ کر جہنم کے راستے سے واپس لے جاؤں, اور میری تو یہی کوشش ہے, اور آخرت کو بھی
मेरी यही कोशिश थी, लेकिन इसके बरक्स देखें कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम किया, हमने आपकी इताअत की, हमने मन युति रसूल फकत अताल, आपकी बातों को सच्चे दिल के साथ तस्लीम किया। जब अल्लाह के नबी की बात आई, अल्लाह ने कहा ला तुकद्दिमु बैना यदै अल्लाह व रसूली, नबी से आगे नहीं बढ़ना। अल्लाह ने कहा ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, और नबी की बात जब नबी बोले तो तुमने नहीं बोलना, क्या करना है? हमने कहा नहीं नहीं, हम तो दुनिया की बातों को मानते हैं, हम तो दुनिया के लोगों को, दुनिया की बड़ी हस्तियों को, हमने कहा हम तो किसी और की बात को तस्लीम करेंगे, किसी इमाम की बात को तस्लीम करेंगे, किसी बड़े मुदब्बिर रहबर की बात को, किसी पीर की बात को, रहबर शरीयत की बात को नहीं, किसी और की बात को तस्लीम करेंगे। हजरत जीवकार, अल्लाह ने कहा अपने नबी से आगे, अपने नबी से आगे नहीं बढ़ना। और ऐसे क्या किया? अल्लाह के नबी के सहाबा ने हमें बताया कि किस तरह अल्लाह के नबी को बात आपके अल्लाह के नबी की बात माननी है। वमा आताकुम रसूल फखुजू, किस तरह से अल्लाह के नबी की बात माननी है। हजरत जीवकार, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। एक सहाबी आया, अंदर भी कुछ सहाबा थे लेकिन एक बाहर जूतियों के पास सहाबी खड़ा था, अंदर भी सहाबा इकराम मौजूद थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा अंदर वाले को कहा बैठ जा, जो जूतियों के पास खड़ा था ना बाहर दरवाजे के पास, वही बैठ गया। अल्लाह के नबी ने कहा तूने तुझे नहीं गया, तू तो अंदर आ। अल्लाह के नबी, जब आपकी आवाज हमारे कानों में पड़ गई है, मैं ऐसे मजाल है कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ा सकूं। ला तुकद्दिमु बैना यदै अल्लाह व रसूलिही की तफसीर ये सहाबा, कौन सहाबा? हजरत जीवकार, एक शख्स अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के पास आपके छोटे मोटे एक साबी काम कर दिया करता, कभी आपको मसवाक ला के दे देता, कभी आपको वुजू का पानी ला के देता, छोटे मोटे अल्लाह के नबी के काम करता, मोहब्बत प्यार थी, मोहब्बत करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी ने मोहब्बत के अंदर कहा कि कुछ मांगो मुझसे, कुछ मांगो, मांगो ना, मैं अल्लाह से कहूं तुझे अता करे। क्या चाहिए हमें? कोई के जिसको अल्लाह ने इतनी अथॉरिटी दी है, इतनी अथॉरिटी दी है कि फलां चीज चाहिए, हम तो सीखेंगे, हम तो बड़ी से बड़ी फरमाइश करें, छोटी फरमाइश तो कोई नहीं करेगा, बड़ी फरमाइश करेगा कोई, हम देखेंगे कि इसको कितना दिया है, हम तो महंगी से महंगी चीज मांगेंगे। और उसने क्या मांगा, क्या मांगा? अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्नत। अल्लाह के नबी ने कहा क्या चाहते हो? कहा अल्लाह के नबी मैं अल्लाह से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे जन्नत में आपका साथ दे। पर मैं कुछ मांगो तो सही। कहा क्या मांगू? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। क्या कहा? अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कुछ मांगो तो सही, वो तो मिल जाएगा। कहा नहीं अल्लाह के नबी, मुझे आपका साथ चाहिए, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के। कहा अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्नत। बच्चा एक बच्चा अल्लाह के नबी की खिदमत में आया, हमारे बच्चों के शौक ही निराले, हमें तो पता ही नहीं मस्जिद में आना है या बच्चों को दीन सिखाना है, मोबाइल पकड़ा के नेट के पैकेज करवा के बच्चों को दे दिए, जो चाहे करो, रातों को उठ के गली मोहल्लों के पट्टों में बैठ जाओ जाके, हमें बताया नहीं कि सीरत मुस्तफा भी कुछ है। एक बच्चा आया, खिदमत रसूल के अंदर आया, बारगाह नबुवत के अंदर आया, अपने हाथी के पास आया, अपने रहमत आलम के पास आया, आके कहने लगा, अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा और अल्लाह के नबी ने उसे बतौर तोहफा खजूरें दे दी, खजूरें दी हैं, उठ के जा रहा लेकिन दिल को होल सा भरा, दिल नहीं कर रहा, महबूब के पास से उठ के जाने को जी नहीं कर रहा। बच्चा है, बड़ा नहीं है, वापस आया जल्दी, कहता अल्लाह के नबी
मेरे लिए दुआ करें। क्या दुआ करनी है? तुझे गेम चाहिए, तुझे आईपैड चाहिए, तुझे आईफोन चाहिए, तुझे साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अल्लाह के नबी मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। सब कुछ खुदा से मांग लिया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हजरत सीवकार मोहब्बत रसूल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मान, आपकी सुन्नत पे अमल करना, आपकी बात सुन के अपने आप को सरे तस्लीम हम कर दे। मन आमिला आमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। अगर हम अपने पैगंबर की बात को छोड़ के, जात को छोड़ के, हदीस को छोड़ के, रस्ते को छोड़ के किसी और की तरफ जाएंगे तो क्या फरमाया? फरमाया मन आमिला आमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। वो जो अमल तेरा हमारे अमल के मुताबिक नहीं है वो तेरा अमल रद्द है, वो रद्द की टोकरी में है। जब तुम मोहब्बत रसूल को छोड़ के, अताअत रसूल को छोड़ के, इत्तबाए रसूल को छोड़ के किसी और के रास्ते की तरफ जाता है तो हजरत सीवकार वो तेरा अमल भी रद्द है, तेरी नेकियां भी रद्द है, तेरी इस नेकियों का कोई फायदा नहीं। मोहब्बत और प्यार वो है कि सिद्दीक अकबर के बेटे ने, पहले वो इस्लाम नहीं था लाया, जंगे बदर में खिलाफ लड़ाई, मुसलमानों के खिलाफ जो जंग हुई उसके अंदर शामिल हुआ था। जब बाद में जब उसने इस्लाम कबूल किया तो सिद्दीक अकबर और बेटा है, बेटे ने कहा कि बाबा जंग के अंदर आप दो तीन दफा ऐसे इत्तफाकन आप मेरी तलवार के नीचे आए, क्योंकि उस वक्त लोहे के कवर पहने हुए थे, नजर नहीं आता, चेहरे पे भी लोहे के हेलमेट पहने होते थे। कहा अल्लाह अबू बकर अपने बाबा को कह रहा है, बाबा आप नजर नहीं आए थे उस वक्त, नहीं तो मुझे पता चल गया था आप हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना बाप समझ के आप पे तलवार नहीं चलाई। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था? मोहब्बत रसूल सीखनी है तो इन लोगों से सीखी जाएगी। कहा सिद्दीक अकबर कहते हैं लो हदफ तली लम अस्तिफ, अगर मुझे एक दफा भी मुझे पता चल जाता कि तुम मेरे सामने है, मैं तुझे इस वजह से ना छोड़ता कि तुम मेरा बेटा है, बल्कि मैं इस वजह से तेरे दो टुकड़े कर देता कि तुम मेरे नबी का दुश्मन है, इस वजह से मैं तेरे दो टुकड़े कर देता। तो ये मोहब्बत रसूल, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को तस्लीम करना, आपसे मोहब्बत करनी, और मोहब्बत की इंतहा देखे वो औरत जिसको खबर मिली और तेरा खावन जंग के अंदर हलाक हो गया, उहद के अंदर खबर मिली और तेरा बाप भी शहीद हो गया, खबर मिली तेरा बेटा भी शहीद हो गया। इतने गमों को अपने अंदर, गमों के अंदर डूबी हुई औरत जब उहद के दामन में पहुंची तो देखा क्या, अपने खावन के लाशे को ढूंढ रही, अपने बेटे के लाशे को ढूंढ रही, अपने बाप के लाशे को ढूंढ रही, और देखती देखती जब बहुत पहाड़ के दामन पे पहुंची, गमों के अंदर निडाल औरत, और देखती क्या है, वहां हाथिए पर हक के चेहरे को देखा, मुजम्मिल और मुदस्सिर के चेहरे को देख के क्या कहा था, तारीख ने इस अल्फाज को रकम कर दिया, कहा कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलाल। प्यारे हबीब आपको देख के मेरे सारे गम दूर हो चुके, आपको देख के मेरी सारी टेंशन दूर हो चुकी। हजरत ज़ीवकार अल्लाह के नबी से मोहब्बत प्यार, ये सहाबा इकराम ने हमें बताया कि किस तरह अपने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। और उरवा जब गया ना मुआहदा करने के लिए मक्के वालों की तरफ से, मुआहदा करने गया, अभी मुआहदा नहीं था करना, क्या उन्होंने भेजा जाओ ये भी देखना था क्या मुसलमानों के साथ अगर हमारी जंग हुई तो क्या हम हारेंगे या जीतेंगे। शॉर्टकट लफ्ज में बयान कर रहा हूं, जब उसको भेजा तो उरवा ने आके क्या कहा था, कहा हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, और वो तो कहीं ऊपर निकल गए मोहब्बत के दर्जे के अंदर। मैंने देखा कि जब अल्लाह के नबी महफिलों मजलिस के अंदर कोई बात करते हैं सब खामोश हो जाते हैं,
क्या कहा उर्वा ने? उर्वा ने कहा मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि जब अल्लाह के नबी वुजू कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं हाकिए बरहक, वुजू कर रहे हैं रहमत आलम, वुजू कर रहे हैं मुजम्मिल मुदस्सिर, तो सहाबा इकराम वुजू के पानी को नीचे नहीं गिन रहे, वुजू कर रहे हैं, कोई वुजू के कतरों को चेहरे पे लगा, बरकत के लिए कोई हाथों पे लगा रहा, हाय वुजू के कतरे को चेहरे पे लगा रहा है। और सुन लो और मक्के के मुशरिकों सुन लो और कुरैश वालों सुन लो और नबी के दुश्मनों सुन लो और जो उम्मत जो लोग अपने पैगंबर के वुजू के कतरे को जमीन पे गिरना नहीं देना चाहते वो कैसे नबी के खून के कतरे को जमीन गिरने दे। और हजरत ज़िबकार आखिर में एक बात कहूंगा कि हजरत ज़िबकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत प्यार हमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने बताया और अल्लाह ने क्या कहा मैं युती रसूल फ़कद अता अल्लाह, जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करनी है चार चीज़ें तो बयान की है ना, एक तो फितरतन मोहब्बत होती है लेकिन तीन चीज़ें कमाल हुसन कमाल सूरत और कमाल सीरत की वजह से मोहब्बत है। इन सारी मोहब्बतों के बाद अल्लाह के नबी ने क्या उस सहाबी को कहा था जिसने कहा था अस्अलुका मुराफ़क़त फिल जन्ना कि अल्लाह के नबी जन्नत में साथ साथ आऊं, तो अल्लाह के नबी ने कहा था तुम कसरत से सुजूद करो और अल्लाह के नबी की बात को मानना मैं युति रसूल फकद अता अल्लाह। एक और शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं आपका साथ चाहता हूं। मोहब्बत तो ये है ना कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि अहले इस्लाम ये चाहते हैं कि हम कल क़यामत वाले दिन में अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ हों, हम इस दुनिया की जिंदगी को और भी समझते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उनको क्या कहा था? कहा था वो मैं युति रसूल लफ़क़द अता अल्लाह। फिर एक जगह फरमाया उलाइका मा अल्लज़ीना अन'अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबी व मन युशाक्किक अर-रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहु। फरमाया जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है आपकी इताअत करेगा फलाइका अन'अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। जो लोग अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उनको क्या करना चाहिए? आप अलैहिस्सलाम की बात को माने जिस तरह सहाबा की मिसालें हैं कि उन्होंने आपकी बात को कैसे तस्लीम किया, आपकी बात को कैसे तस्लीम किया। अंगूठी की सोने की पहनी हुई है, अल्लाह के नबी ने कहा ये तो जायज नहीं। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से निकाल के उसकी अंगूठी को नीचे फेंक दिया। सहाबा ने कहा चलो उठा लो घर में काम आ जाएगी या बेच के इसकी कीमत वसूल कर लेना। लेकिन उस सहाबी ने उसको कहा जिसको मेरे नबी ने फेंक दिया उसको मैं कैसे उठा सकता हूँ, मैं इसे रद्दे की टोकरी में फेंकता हूँ जिसको मेरे रसूल ने पसंद नहीं किया हम उसे कैसे पसंद करेंगे। तो हजरत ज़िबकार मोहब्बत ये है प्यार ये है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात को माना जाए, उनका हुक्म सुन के उनकी हदीस सुन के अपने सर को झुका लेना चाहिए। जब हम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन के आपकी हदीस को सुन के अगर हम अपने सर को झुका देंगे तो फिर हजरत ज़िबकार अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत का मालिक बना देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।